The Parliament's first session after the national elections has begun, and we're cutting live to the Lok Sabha. These are the live visuals we're bringing you from the Lok Sabha right now. And just minutes before the session started, Prime Minister Modi spoke before he entered Parliament, where he urged all political parties to work cohesively with the government for a smooth functioning of the House. Now, given the huge mandate that the Modi government got in these elections, Prime Minister Modi said that his government has won the trust of the people of India. Speaker Mahoday, main Bharat ke Nirvachan Aayog dwara prastut एक सूची हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण जिसमें 2019 के आम निर्वाचन में 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों के नाम दिए गए हैं को सभा पटल पर रखती हूं। आइटम नंबर 5 माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि महासचिव राष्ट्रपति ने निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के सदस्य के रूप में नाम निर्देशित किया है। श्री कोडे कुनील सुरेश जी, श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी, श्री भर्तहरि महताब जी। माननीय सदस्यगण, सेक्रेटरी जनरल द्वारा अब सदस्यों के शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने के उद्देश्य माननीय सदस्यों के नाम पुकारे जाएंगे। सबसे पहले सदन के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे, फिर सभापति तालिका के माननीय सदस्यगणों के नाम लिए जाएंगे, उसके बाद कैबिनेट रैंक के मंत्रीगण और राज्य मंत्रियों के नाम पुकारे जाएंगे, तत्पश्चात अन्य सदस्यों के नाम राज्यवार संघ राज्य क्षेत्रवार पुकारे जाएंगे। पहली बार नाम पुकारे जाने पर जो सदस्य शपथ नहीं ले पाएंगे उनके नाम अंत में दोबारा पुकारे जाएंगे। यदि किसी सदस्य के नाम का सही ढंग से उच्चारण नहीं हुआ हो तो वह कृपया करके क्षमा करेंगे। महासचिव महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री कोडी कुन्नील सुरेश, मैम कोडी कुन्नील सुरेश, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचन हुआ हूँ, ईश्वर की शब्द लेता हूँ,
कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत की संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अच्छु रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री ब्रजभूषण शरण सिंह, श्री भर्तरी मेहताब, मु भर्तृहरि महताब लोकसभार सदस्य रूपे निर्वाचित हो ईश्वर नाम से शपथ करूछि जे मु विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। मु भारत सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखिबी एवं मु जो पद ग्रहण करने को जाऊँ तहार कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वहन करिबी। श्री ब्रजभूषण शरण सिंह, मैं ब्रजभूषण शरण सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री राजनाथ सिंह जी, मैं राजनाथ सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।